एक बार फिर खुशामदीद भाई। आज एथिक्स सीरीज में या एथिक्स मैटर सीरीज में मैं शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं कनाडा में, एक इंटरेस्टिंग और बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग और हैरानकुन न्यूज़ जो कि सिटी लॉस से मुताल्लिक है। क्योंकि हम मैं इस वक्त कनाडा में हूँ, तो ज़रा डेवलप मुल्क हैं, एडवांस मुल्क हैं, ज़रा कवानीन वगैरह होते हैं, उन पर अमल दरामद होता है, और ये सिटी लॉस या म्यूनसिपल्टी लॉस से मुताल्लिक है। अच्छा भाई, आपने अभी देखा जो कुछ मैंने थोड़ी सी वीडियो लगाई, नहीं देखा एक बार फिर देखिए। इस सोशल मीडिया के कमेंट्स वगैरह देखिए क्या कहते हैं। आपको क्या नजर आया या आपने क्या समझा? जनाब, हुआ ऐसे जो कि मेरे देसी होने के हिसाब से, जो कि उन मुल्कों से हैं जहाँ लॉ पे इतना अलमल दरामद नहीं होता या आम आदमी पे इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता, या लॉ बने भी होते हैं तो उस पे वैसे ही इम्प्लीमेंट करने का इरादा नहीं होता। एक फैमिली जो लंदन ओंटारियो, ये टोरंटो से बाहर, इस तरफ मैं इस तरफ खड़ा हूँ इस वक्त, स्कार्बो में मेरे सीधे हाथ की तरफ टोरंटो है, फिर पीएसएन एयरपोर्ट है जो कि मिसिसागा एयरपोर्ट में, जहाँ पे पीएसएन एयरपोर्ट है मिसिसागा सिटी में, उससे आगे लंदन सिटी। एक लंदन सिटी से बाहर की फैमिली ने लंदन सिटी को ओंटारियो में विज़िट किया, उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया। जब फैमिली का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो कपल था, उनके बच्चे थे, खातून को, माँ को एमरजेंसी सर्विसेज की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उनके बच्चे साथ थे, उन्होंने एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। एमरजेंसी सर्विस को उन्होंने कॉल किया, याद रखिए एमरजेंसी सर्विसेज जहाँ यहाँ कॉल की जाती हैं, तो पुलिस, मेडिकल जिसको EMS कहते हैं, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, और एम्बुलेंस साथ आती है। उन्होंने अपनी हेल्प के लिए कॉल किया था, कुछ दिन के बाद उन्हें $500 का बिल थमा दिया गया। ये बिल क्यों थमाया गया है? ये बिल इसलिए थमाया गया है कि भाई आप उस सिटी के रेजिडेंट्स नहीं हैं, तो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ये उनका बिल है। यकीनन ये बिल सिर्फ कॉल के लिए नहीं है, बल्कि जो एम्बुलेंस आई, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आई, उसके लिए है। और ये इम्प्लीमेंट होता है उन पर, जैसे मैं इस वक्त टोरंटो या स्कार्बो में हूँ, मैं अगर इस शहर से बाहर होता, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती, कॉल मुझे करनी पड़ती, तो मुझे ये बिल आता और मुझे देना पड़ता। अब आगे डिटेल में आपको मज़ीद इसकी बताता हूँ। तो भाई ऐसा है कि अब ये लोगों के आप नीचे कमेंट्स देख सकते हैं कि लोग किस किस्म के कमेंट कर रहे हैं। कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, लोगों के साथ ये हो चुका है, क्योंकि वो उस शहर से बाहर थे, उन्होंने वहाँ पे एमरजेंसी सर्विसेज यूज़ की, उनको ज़रूरत पड़ गई। एमरजेंसी सर्विसेज एमरजेंसी के लिए हो सकती है ना,
या तो फिर हम जो भी हो हमारे साथ हम खुद ही डील करें ताकि हमें चार्जेस ना लगे यार, ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करने दे रही। वो सिटी से बाहर थे इसलिए उनको चार्जेस पड़ गया। इन कमेंट्स को देख के ये पता लगता है कि अगर आप उस सिटी के नहीं हैं, आप किसी एमरजेंसी में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मैं क्या बोलूँ यार, आप बिल्कुल ही बस आपकी ख़राब हालत हो जाती है, बुरे अल्फाज नहीं यूज़ करना चाह रहा, आप सर्विसेज हासिल करते हैं तो तब भी आपको जो है कि बिल आ जाएगा कि आप उस सिटी से बाहर हैं। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और हैरानगी की बात है, कम अज़ कम मेरे लिए, क्योंकि मैं एक देसी हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कंट्री की रिसोर्सेज तो पूल्ड होती हैं। जैसे जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं वो कम टैक्सेस देते हैं और इवन हुकूमत उन्हें मुख्तलिफ मद में सपोर्ट मनी देती है, चाइल्ड सपोर्ट ये वो। जो ज़्यादा इनकम वाले लोग होते हैं वो टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, परसेंटेज भी ज़्यादा देते हैं। तो यार इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे चल के आप ये न्यूज़ देखी है, ये न्यूज़ क्या कहती है असल में?
न्यूज़ यही डिटेल बता रही है जो मैंने बयान किया है और जो इन कमेंट से पता लगता है। लंदन सिटी से जब ये जिस चैनल ने या न्यूज़ आउटलेट ने ये रिपोर्ट लगाई है, रब्ता किया, तो उन्होंने बोला हाँ भाई ये तो अप्रूव है सिटी के बाईलॉज में, टोरंटो में भी यही है। तो भाई मुश्तरी होशियार बाश बायस भी वेर, आप अलर्ट रहे कि आपको ये सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो $500 का बिल आ जाएगा। सरकार हर जगह सरकारी होती है भाई, लोगों को पैसा बनाना है। चले जी, आज के लिए इतना ही।